चाहे गेंदबाजी, चाहे बल्लेबाजी, चाहे फील्डिंग काफी अच्छा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं दोनों टीम। कुशाल सिंह की कोचिंग काफी तेजी से वर्क करते हैं, तो काफी जबरदस्त मैच रहा ये। और कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र लोकल क्षेत्र है। और बैट्समैन कह रहे हैं किसी बॉलर के लिए ये बॉलर गेंदबाजी नहीं करेगा, लेकिन समझ बात नहीं आया ऐसे क्यों बोल रहे हैं, नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसे, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। आप ही नहीं समझे अभी? अभी नहीं समझे अभी। यहाँ पे पंगा चल रहा है कि बैट्समैन कह रहे हैं कि बॉलर गेंदबाजी नहीं करेगा, समझ में बात नहीं आ रही ऐसे क्यों बोल रहे हैं, है ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज मैं आपको ले जा रहा हूँ, कहाँ ले जा रहा हूँ, चलो आप मेरे साथ बने रहे। अपने घर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे जाऊंगा और आज कुछ शूट करके आपको एक रोमांचक क्रिकेट का मुकाबला दिखाऊंगा। कहाँ जा रहा हूँ ये जाने के बाद बताऊंगा। आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि मैं आज आपको एक फाइनल मैच का वीडियो कवर करके दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, बने रहना मेरे साथ। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ ओखीमठ, तो ओखीमठ से जाऊँगा मैं इस गाड़ी में और मेरे साथ होंगे नेगी जी, ये है मेरे साथ नेगी जी। दोस्तों ये है पेंज रोड, हम जाएंगे यहाँ से पेंज के लिए। और जो लोकल लोग उनको पता है आज पेंज में फाइनल मैच है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं पेंज, तो ये होगा आज फाइनल मुकाबला। और फाइनल मुकाबला तो देखते चलो कौन सी टीम बाजी मारती है और बने रहना हमारे साथ। दोस्तों मैच यहाँ पर हो रहा है और हम पहुँच सके यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर खेला जाएगा आज का फाइनल मैच और मैच में ड्रोन भी चल रहे हैं। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओपनर बल्लेबाज जा रहे हैं क्रीज में, धीरे धीरे फील्डिंग लग रही है। दिखाता हूँ आपको पहली गेंद, पंद्रह पंद्रह ओवर का मैच खेला जाएगा। अभी भी स्कोर 5 रन। Thank you.
तो बाबू लुवार वापस आ रहे हैं तो एक विकेट हो चुका है। लगातार दो कैच छूट चुके हैं। चारों ओवर का दृश्य सूर्योदय पैंस की स्टेडियम का और गेंदबाज रेडी। ट्वेंटी फोर रन आफ्टर 3 ओवर लॉस ऑफ 1 विकेट। बरद भाई 35 रन। दूसरा विकेट भी कमाया सांगरी ने, नए बैट्समैन क्रीज की ओर।44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से व्हाइट स्टार्ट बोर्ड भाई चिरन के साथ 52 रन। भाई 5 ओवर की शुरुआत में टीम का स्कोर
पांच ओवर के साथ 52 रन, 10.40 का औसत है अभी। एल बी फोर विकेट हुए हैं। नया बैट्समैन आया भवनन, चार महत्वपूर्ण विकेट आउट होने के बाद नीचे मोटी नीचे नीचे पे और नीचे नहीं आउट।
और बड़ी गई सूर ने मैं कहां मुझे वेलकम हुआ हम मुहिर मान भाई तक ये मान चक हेलो फील तुम तो ऑल है ना बोल सो भी नहीं ले उड़ बोल बोल नाश मैं उसके बाद 12 गेंदों का खेल शेष 12 नमस्कार हाँ आज बंद हो का दोस्तों यहाँ पे 4 बॉल हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अंपायरों से और फिर लास्ट 4 ही बॉल ही मान गई। ले बेटा मार छक्का कितना रन आ रहा मैच में बहुत बहुत एक रन सोते मलिवी ये हमें पलने की थी फैंस के 22-3 ओवर की समाप्त पर
बोल बोल फायरिंग के साथ साइड चेंज दोस्तों गेंदबाजी जबरदस्त हो रही है। निखिल कैसा लग रहा है तुम्हें गेंदबाजी तगड़ी ना? अभी तक गेंदबाजी अच्छी लग रही है दोस्तों, और गेम आगे देखना होगा। मुझे लग रहा है काफी रोमांचक होगा, है ना? और खिलाड़ी को देख सकते हैं उनके पांव में चोट लग रखी है गेंदबाज के, फिर भी गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने
इस गेंद में 40 रन बनाना है। गेंदबाज है बाबू लोहार। बाबू लोहार लगातार 3 डॉट बॉल डाल चुके हैं, आप देख रहे होंगे। और अगली बॉल डालने के लिए तैयार। लगातार 4 डॉट बॉल डाल चुके हैं और 30 बॉल में चाहिए थे 40 रन और लगातार 4 डॉट बॉल डाल चुके हैं। और अब 26 बॉलों में घातक गेंदबाजी और घातक गेंदबाजी के अभी भी 26 बॉलों में 40 रन। बाबू लोहार ने कर दिया कमाल। तो बाबू लोहार ने धमाल मचा दिया, कर दिया कमाल। लगातार 5 डॉट बॉल। बल्लेबाज असफल हो रहे हैं बैट लगाने में और बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लास्ट बॉल है, देखते हैं। और उठाया और बहुत लंबा 6 बॉलों का हिसाब किताब एक बॉल पर। और हल्की सी धूप, दिन भर में पहली धूप आई अभी ग्राउंड में, दिन भर में पहली बार धूप आ रही ग्राउंड। अठारह गेंद में 27 रन जीत के लिए।
यहाँ पर कुछ पंगा चल रहा है और बैट्समैन कह रहे हैं किसी बॉलर के लिए ये बॉलर गेंदबाजी नहीं करेगा, लेकिन समझ बात नहीं आया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसे, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, आप ही नहीं समझे अभी, अभी नहीं समझे अभी। यहाँ पर पंगा चल रहा है कि बैट्समैन कह रहे हैं ये बॉलर गेंदबाजी नहीं करेगा, समझ में बात नहीं आ रही हूँ ऐसे क्यों बोल रहे हैं, है ना। ओ भैया ओ चित्तल भाई वो बल्ला से मारे तो गाली दे रहे हैं। अब आपको क्या बोलते हैं? टीम के लिए सामना कर रहे हैं जो कैसा लग रहा मैच? बहुत अच्छा बेहतरीन रोमांचक छह रन छह बॉल 7 रन मनीष भाई क्या होगा आपकी टीम खेल रही है और कुछ गेम में चढ़ता ही गया है, उसका रोमांच बढ़ता ही गया है और उसका ओडीआई T20 का और बढ़िया गंदी की राती हुई और तृप्त का जरूर हमें लहराते हुए अंपायर कोटवाल के हाथ का रन मिलता हुआ और मात्र 5 रनों की जरूरत 6 गेंदों के ऊपर अब रिक्वायर्ड रन रेट करता हुआ और करंट रन रेट बढ़ता हुआ तो बिल्कुल पक्ष में जाता हुआ भरतनाथ स्पोर्ट्स क्लब कमार के और गेम सीमा रेखा की तरफ देखना होगा 6 रन देखना होगा अंपायर का इशारा 4 रन अब बराबरी होता हुआ लेवल पर आता हुआ बराबरी अब मात्र 1 रन का उसका अब औपचारिकता ही बाकी कही जाएगी इस मैच फाइनल मैच में तो निश्चित तौर पर 5 गेंदों से मात्र 1 रन की जरूरत है और बराबरी पर यहां पर लेवल पर स्कोर होता हुआ तो 4 रन मिले हैं यहां पर जतिन को तो जितनी भी तारीफ की जाए सूरज की उतनी कम जीवन भाग्य भी बादलों का साथ देता है जो जीवन दान मिला है उस जीवन दान का पूरा पूरा फायदा उठाया है सूरज ने और सामना करेंगे जतिन बड़ी आगे नीचे रहती हुई और डॉट बिंदी गेम असली गेंदबाज की यही पहचान होती है और बड़े स्पोर्ट्समैन के बढ़िया गेम परिवर्तन के तौर पर स्लो डिलीवरी वहां पर अटेंड से और फिर ड्रा करके इसी के साथ विनिंग मैच 4 विकेट से यहां पर मैच जीत लिया है भरतनाथ स्पोर्ट्स क्लब दमार में आइए इस जीत
सुरेश त्रिवेदी जी के दर्शकों को काफी रोमांचक मजा में देखने को मिला पर शानदार विजय श्री हासिल की धर्मा स्पोर्ट्स क्लब कमाल की टीम ने आपके लिए बधाई है और ये रनर टीम यहाँ पर टीम आपको बधाई है दोनों टीमों ने सहमत रहा लेकिन अंत में जो समय के परिस्थिति के बिना बदल पड़ गई बहुत बहुत बधाई है यहाँ पे बधाई के पात्र हैं जो आपने एक टूर्नामेंट करवाया तो प्रेशर तो होता ही है एक बड़ा मैच है बड़ी टीम है सामने अच्छा खेलने वाले हैं तो ये अपने लड़कों पे भरोसा भी है कि हमारे सारे साथ में खेल रहे कॉम्बिनेशन अच्छा है तो क्योंकि तो हमने खेतों में क्रिकेट ज्यादा खेली है तो हमें पता है कि खेतों में कैसे फील्डिंग करनी है कहाँ क्या चीजें होती है और रही बात इस टूर्नामेंट की मैं तो पहले शायद हूँ मैच में था भी नहीं तो बाद में मैं आ गया टूर्नामेंट में तो बोला कि कप्तानी भी करनी है एज अ सीनियर प्लेयर तो पूरी टीम लग के पिछले मैच में बहुत अच्छा क्रिकेट काफी अच्छा था स्पेशली धूप का जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से और जतिन भाई आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा जिस प्रकार से मोंटी ने पूरे क्षेत्र में एक गढ़ बनाया है बैटिंग के लिए चाहे हमने आपको देखा था और कुंड में मध्य गांव की टीम के खिलाफ आपने बैटिंग की थी मोंटी के आज मोंटी जब आउट हुए तो क्या कुछ आपके मन में था आप आज काफी देर में बल्लेबाजी करने के लिए आए जब भी आप आगे आते थे लेकिन आज एक रणनीति के साथ आप बल्लेबाजी करने के आए और मोंटी को आपने नहीं भेजा बल्कि वन डाउन में भेजा है तो क्या आपके मन में इच्छा थी कैसा आपको फील हो रहा है कि क्या आपने जिस प्रकार से रणनीति बनाई थी उसके साथ आप मुकाम में पास हुए या नहीं हुए रणनीति तो हमने ज्यादा कुछ ऐसा कुछ था नहीं कि मोंटी वैसे कि ओपनर ही हमारा सबसे बेस्ट ओपनर है जहाँ तक भी मैंने क्रिकेट ये खेतों में खेला है या कहीं भी जाते हैं हमेशा ओपन ही करते हैं पर आज ये था कि हमने कहा विकेट को थोड़ा स्लो कर लिया मैच को जितना नज़दीक जाएंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए क्योंकि हमें पता था कि पीछे से हमारे पास चार या पाँच हिट करने वाले बैट्समैन हैं बीच में जितना रोकेंगे उतना ये था कभी भी आके हम बैट चला सकते हैं इस सिचुएशन में मोंटी का विकेट था इवन बट क्रिकेट में चलता ही है कभी हो गया अगर चलता शायद चार ओवर खेल लेता तो शायद मैच कुछ और ही होता क्या पता जल्दी आ जाता बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आपको जतिन भाई तो बहुत बहुत बधाई है डमार की टीम और ठीक है दोस्तों जतिन भाई की जो बात थी मैंने आपको सुनाया इसी साथ में आपका ब्लॉग एंड करता हूं निकलते हैं घर के लिए ओके भाई ठीक था बढ़िया ठीक हो हमारे क्षेत्र में बहुत फेमस है बाउल भारती भरत भाई तो मैं इनका जब गेम देख रहा था तो और इन्होंने 5 बॉल डाली बिल्कुल बैट्समैन को हवा नहीं लगी बॉल कहाँ से निकली लेकिन एक बॉल की मिस्टेक हुई और वो तो होता है क्रिकेट की गेंद होता है और यहाँ भरत भाई की बात करो इन्होंने 3 ओवर डाले बहुत अच्छे डाले और कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है जिसका हमें खाने और भुगतना पड़ता है तो भाई साहब क्या कहेंगे क्या लगा आपको भरत भाई बोलो कुछ नहीं भैया गेम में हार जीत लगी रहती है और क्या है कि बस हो सकता है कि स्कोर थोड़ा कम था 97 स्कोर था तो 15 ओवर फिर भी उसको हमने लास्ट ओवर तक ले गए तो फाइट करी यार तो अच्छा ही खेले टीम को हार जीत तो होती है टीम जीतेगी एक हारेगी बोलो इसलिए तुम्हारे यहाँ का मैच कैसा रहा बढ़िया बढ़िया चलो ठीक है ठीक ठीक चलो ठीक है ओके बाय बाय तो यहाँ पर हो रहा था दोस्त यहाँ पर हो रहा है आज का क्रिकेट फाइनल मैच तो चलो चलते हैं दोस्तों आज का मैच फाइनल हो चुका है फाइनल मैच का सेल हो चुका है मैच जीता हनी क्लब अगस्मिनी ने और साकर की टीम हारी द्वार भाई कुछ नहीं कर पाए आज मतलब बैटिंग नहीं कर पाए बॉलिंग बहुत तकड़ी करी उन्होंने ठीक है दोस्तों और यही हनी की बात करूं हनी की ओर से मोंटी भी कुछ नहीं कर पाए 8-10 रन बनाए और कुछ नहीं कर पाए लेकिन द्वार भाई ने जो है रन नहीं बनाए लेकिन बॉल अच्छी तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं आप किसी और ब्लॉग में तब तक जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड जय क्रिकेट तो आज का जो फाइनल मैच हो रहा था उसकी रिकॉर्डिंग में बैठता हूँ हम मतलब मेरे मित्र मुकेश नेगी जी और मैं तो चलो चलते हैं वापस मिलते हैं किसी और मैच में तब तक के लिए बाय बाय।